हेलो, काबिल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिख के बताया करिए कि आपको किस तरीके के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो प्रश्न डालता हूँ वो अच्छे हैं, ठीक हैं, लेवल है उनका। हालांकि ईजी हैं क्वेश्चंस, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे 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 लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आइए वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र में उथल पुथल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना, बहुत लोकतंत्र की हत्या कर ली, अब नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, 5 साल के लिए। अगला प्रश्न, भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा दोस्तों, भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री सभी को पता होगा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। ओके, एस जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रमोद सावंत कहाँ के हैं? गोवा। कमलनाथ कहाँ के हैं? एमपी। अगला प्रश्न, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार की वर्तमान जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। बेबी रानी मौर्य ये कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं? ये यूपी की हैं। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए दोस्त। ईसाई धर्म के संस्थापक दोस्तों ईसा मसीह थे, बिल्कुल सही है, ईसा मसीह थे। कथन दूसरा है, इनका जन्म बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, इनका जन्म बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम मैरी था, बिल्कुल सही है, और इनके पिता का नाम जोसेफ था, ये भी सही है। इनके पिता का नाम जोसेफ था और इनकी माता का नाम जो था दोस्तों वो था मैरी। इनके दो शिष्य थे एंड्रूज और पीटर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है 1 2 3 4, कथन चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और केरल के राज्यपाल दोस्तों कौन है? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, उनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 153 में होती है। उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, सभी कथन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम आपके लिए है, भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत के भाग 15 में निहित है, बिल्कुल सही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारत के भाग 15 में निहित है, ठीक है। ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। तो इस तरह से प्रश्न दोस्तों आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरा कथन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, एवं दो अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 206 वर्ष का होता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु अधिकतम होती है। 65 वर्ष की आयु के बाद इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। कथन पांचवा है दोस्तों कि 62वें संविधान संशोधन अधिनियम
1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल, ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ये 62 लिखा है ना, यहाँ 62 ना हो के दोस्तों क्या होगा, यहाँ होगा 61वें संविधान संशोधन। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में घुमा देते हैं, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन आएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार जो वोट देने का जो एज होती थी वो 21 वर्ष थी, तो उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों 5 और लगा दीजिएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 और लगा दीजिएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपका। 1, 2, 3, 4 सही है, चारों कथन सही है, लेकिन पांचवा कथन गलत है। अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वुमेन डे आपको पता होगा, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में कैलाश जोशी जी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हाल ही में कैलाश जोशी जी का निधन हुआ है, तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पूर्व। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुलाबी गेंद से 5 विकेट लेने वाले पहले बॉलर कौन बने? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में करंट में बहुत चल रहा है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये दोस्तों एक पिंक बॉल से मैच हुआ है, टेस्ट मैच कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में, ठीक है ना, बांग्लादेश की टीम और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है ये दोस्तों? ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में, कोलकाता में दोस्तों ईडन गार्डन है, वहाँ पर हुआ है, और पिंक बॉल से हुआ है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं पिंक बॉल से, वो लिए हैं ईशांत शर्मा ने, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये भारत का ये भी पहला मैच है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिंक बॉल से भारत का पहला मैच किस टीम के साथ था? तो बांग्लादेश के साथ था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ खेला गया था? ईडन गार्डन में खेला गया था। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए, टोंट फिकर हो जाइए, ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात आती है दोस्तों, तो बांग्लादेश की टीम के साथ हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ईडन गार्डन में। अच्छा, बांग्लादेश की बात आ जाती है तो बांग्लादेश के पीएम का नाम बताइए दोस्तों, क्या नाम है उनका? शेख हसीना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ठीक है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों? टका, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इम्यूनाइजेशन अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यह अभियान दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन अभियान। इसे फाइलेरिया, एक बीमारी होती है फाइलेरिया, फाइलेरिया के विरुद्ध का प्रयोग किया जाएगा इम्यूनाइजेशन अभियान, ठीक है। इस अभियान के तहत 65,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमें 19 जिलों में जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, 19 जिलों में ही जाएंगी, जिले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और इससे 6.5 करोड़ लोगों को दवाओं का वितरण होगा। तो ये चारों के चारों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो सभी कथन सही हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में आ जाते हैं, वो यूपीएससी में दोस्तों स्कीम्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सी सरकार की कौन सी स्कीम है, इस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम तैरते हुए स्कूल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में पहला तैरता हुआ स्कूल, यह स्कूल जो है दोस्तों मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर में, भारत में तैरता हुआ स्कूल, ठीक है। और इसका नाम दोस्तों लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल कहा गया है। लोकटक झील मणिपुर में ही है, ठीक है ना। एक आपने ये भी सुना होगा कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में, लोकटक झील में, ठीक है ना।
तो वहीं पर एक लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल है दोस्तों, वो ये भारत का पहला तैरता हुआ स्कूल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ये भारत का पहला तैरता हुआ स्कूल है दोस्तों, लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो कौन है, ये है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो कथन पहला है दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 76 में इसका वर्णन मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 76 में कैग है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। यह भारत के किसी भी सदन में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता, ये बात भी बिल्कुल सही है। बोल सकते हैं, लोकसभा में भी बोल सकते हैं और राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई, सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं, हाई कोर्ट में बोल सकते हैं या सिविल कोर्ट्स में बोल सकते हैं। यह संसद का सदस्य नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जो कैग होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं ये, ठीक है ये, लेकिन बैठ सकते हैं वहाँ पर, इनका इतनी पावर होती है इनके, ठीक है। एग्जाम में कई बार ग्रुप डी वगैरह ये छोटे छोटे एग्जाम्स में जो होते हैं वो उसमें ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये किस आर्टिकल में है, ठीक है ना। छोटा कोई भी एग्जाम नहीं है, एग्जाम सब लेवल है अपना, कोई छोटा नहीं एग्जाम होता, ठीक है। सरकारी जॉब का कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। अगला प्रश्न, डेविस कप 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों डेविस कप 2019 से निम्न कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। तो इस बार यह कप दोस्तों स्पेन ने जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यह कप दोस्तों स्पेन ने जीता है। स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, राफेल नडाल ने इसको जीता है, ठीक है। किसको हराया, सापो वालाव को 6-3 और 7-6 से हराया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंछ लिंक अप डे किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों पूंछ लिंक अप डे दोस्तों बनाया जा रहा है भारतीय भारतीय थल सेना द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों भारतीय वायुसेना का गठन दोस्तों 1932 में हुआ था, और भारतीय नौसेना की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय नौसेना का गठन दोस्तों हुआ था 1612 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जल सेना यानी कि भारतीय नौसेना का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों भारतीय नौसेना का गठन हुआ था, ये दो बार टाइप हो गया, इससे गलती हो गई दोस्तों, सही आंसर है 1612 में। और भारतीय नौसेना के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एडमिरल, क्या नाम है उनका, एडमिरल करमवीर सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का गठन, सॉरी यहाँ पर दोस्तों वायुसेना लिख गया है, गलती से टाइप होने में गलती हो गई है यहाँ, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये गलती हो गई टाइप होने में। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना है, ठीक है, वायुसेना नहीं है। ये शायद सर मुझसे नींद में ये टाइप हो गया, क्योंकि मैं रात में टाइप कर रहा था तो नींद थी मेरी आंखों में, तो वायु वायु लिख गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कथन पहला है दोस्तों, भारतीय नौसेना का गठन कब हुआ था, 1612 में भारतीय नौसेना का गठन दोस्तों हुआ था। भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह, बिल्कुल सही है, सुनील लांबा जी हाल ही में रिटायर हुए थे यहाँ से। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, सॉरी भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे रामदास कटारी, प्रथम चीफ, नेवी चीफ रामदास कटारी। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है, सभी कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, भाग 1 में। आर्टिकल 1 में जो क्या लिखा हुआ है, संघ यानी कि यूनियन और उसके स्टेट्स के बारे में बताया गया।
मतलब ये बताया गया है कि भारत के जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है ना? वो चाहें भी फिर भी भारत के राज्य जो हैं वो अलग नहीं हो सकते भारत से। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण करना। आर्टिकल 2 अगर पूछ ले कि आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 2 में दोस्तों लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण करना। आप नए राज्यों को निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि सिक्किम राज्य बना था संविधान संशोधन 35 के माध्यम से, आपको ध्यान होगा, ठीक है? सिक्किम को हमने भारत में ऐड किया था। एक सेकंड दोस्तों, तो आर्टिकल 2 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, नए राज्यों का निर्माण करना। आर्टिकल 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना, ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। किसी भी राज्य की बाउंड्री जो है उसमें बदलाव कर सकते हो आप, भारत के अंदर रहकर, भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर की सीमा, जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, ध्यान है आपको? कथन 5वां कहता है, फोर्थ आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 2 और 3 अनुच्छेद में संशोधन करने की प्रक्रिया है। मतलब आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन कर सकते हो, वो आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ये सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है ना? आर्टिकल 6 में दोस्तों लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भारत की नागरिकता दिलाने से संबंधित है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए, माइग्रेट, पाकिस्तान से माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो वो आर्टिकल 6 में है। इसी तरीके से दोस्तों आर्टिकल आएंगे डेली। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो सभी कथन बिल्कुल 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 सही है। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बच्चे बच्चों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, 31 मई। अगला प्रश्न, ईवीएम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों ईवीएम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। चलिए, तो कथन पहला है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कथन दूसरा है, इसका प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर किया गया था। एक केरल में दोस्तों पारूर विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पर इसका पहला प्रयोग किया गया था 1982 में। इसका प्रयोग 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना था दोस्तों। अगर पूरा चुनाव की अगर बात करी जाए, तो पूरा चुनाव दोस्तों 1999 में, जिस सन में कारगिल युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, जिस सन में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसी समय दोस्तों गोवा में पूरा जो चुनाव हुआ था वो ईवीएम मशीन से हुआ था। हालांकि अगर पहला आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ था, तो दोस्तों केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था 1982 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2009 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होने लग गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं उसको। तो इसका सही प्रश्न का आंसर हो जाता, सभी कथन बिल्कुल बिल्कुल सही है। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा होगा, कमेंट लिख के आप हमें बताइए, और अगली वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू दोस्तों।